हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। घर में हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं, यानी जो पावर हम लोग यूज करते हैं, पावर तो अलग चीज है, हमारी एनर्जी यूज करते हैं हम लोग, तो उस एनर्जी का हम लोग बिल भरते हैं। तो बिल किस तरीके से भरते हैं और उसकी गिनती किस तरीके से होती है, तो वो हमारी जो हमारा यूज होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या है? आपका एनर्जी को मेजर करता है और आपको एक तरीके से बिल, मतलब जो आप बिल भरते हैं और जो पावर आपने कंज्यूम करी उसको कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको बिल मिलता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग एनर्जी मीटर कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी को किस तरीके से मेजर करते हैं और उसका कुछ एरर देखेंगे। जैसे एनर्जी मीटर हो गई, तो जो एनर्जी मीटर होगा उसमें कुछ एरर्स होगी, तो वो एनर्जी भी सॉरी वो एरर्स भी हम लोग आज कवर अप करेंगे। ओके, तो आज हम लोग दो टाइप के एनर्जी मीटर पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं एनर्जी मीटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। सबसे पहले एनर्जी मीटर पढ़ने से पहले हमें एनर्जी के बारे में जान लेना जरूरी होता है कि एनर्जी सबसे पहले तो होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि टोटल पावर कंज्यूम इन द गिवन इंटरनल टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अदर वर्ड में अगर हम लोग कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? आपकी प्रोडक्ट है। किस किस की किस चीज की प्रोडक्ट है? जो इलेक्ट्रिकल पावर आपने यूज किया और कितने टाइम के लिए यूज किया, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हम लोग इसे लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आपकी क्या है? वाट आवर है। ये तो आपकी छोटी यूनिट है, और इससे बड़ी यूनिट आपकी कौन सी है? किलो वाट आवर। तो जो आपके घर में जो आपका जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो आपकी किस में आती है? वो आती है आपकी किलो वाट आवर में। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आपकी जो कंज्यूम हो रही है वो एनर्जी कंजम्पशन को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं। तो वो मीटर क्या कहलाता है हमारा? वो मीटर कहलाता है हमारा एनर्जी मीटर या फिर किलो वॉट आवर मीटर। ठीक है, सो आपका सिंगल फेज सर्किट के लिए भी आपका यूज होता है, और थ्री फेज सर्किट के लिए भी आप लोग एनर्जी मीटर यूज कर सकते हैं, जिसे आप लोग पॉली फेज एनर्जी मीटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज एनर्जी मीटर देखते हैं। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर में आपका कौन सा एनर्जी मीटर आता है? इंडक्शन टाइप। तो सबसे पहला एनर्जी मीटर है हमारा इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ये तो हमारी पुरानी मेथड हो गई, अभी तो हमारे पास डिजिटल एनर्जी मीटर आने लगे हैं। लेकिन जब हमारे पास डिजिटल एनर्जी मीटर नहीं थे, तब हमारे पास कुछ इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर थे, जो हमारा कुछ इस तरीके से हमको दिखता था, जिसमें ये जो जो आपका आपको बाहर की तरफ, अगर आप ध्यान से अगर आपने कभी पुराना मीटर देखा हो तो आपको बाहर की तरह के सिल्वर कलर की गोल पट्टी दिखेगी जो आपको घूमती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये वही सिल्वर कलर की गोल पट्टी है जो आपको बाहर दिखाई देती है। ओके, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपके मेनली एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल उसका सेम है। इंडक्शन टाइप जो वॉट मीटर हमने पढ़ा था उसमें जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, वही वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे सिंगल फेज एनर्जी मीटर का है, जो आपका इंडक्शन टाइप पे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शनली ये आपका सिमिलर है विद इंडक्शन वॉट मीटर टाइप, वॉट मीटर के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कंट्रोल स्प्रिंग है, ठीक है, और जो पॉइंटर है वॉट मीटर का, वो आपका रिप्लेस हो गया है। ठीक है, यानी जो पॉइंटर है वो नहीं है इसमें, पॉइंटर की जगह आपका कंट्रोल स्प्रिंग आपको दे रखी है। ठीक है, एनर्जी मीटर में आपको क्या होता है? बाय द ब्रेक मैग्नेट एंड काउंटिंग मैकेनिज्म ऑफ द मीटर, यानी कंट्रोल स्प्रिंग और पॉइंटर आपके किस चीज से रिप्लेस है? ब्रेक मैग्नेट और काउंटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये दोनों से रिप्लेस किए जाते हैं। ब्रेक मैग्नेट जो होता है वो आपका एडी करंट, मतलब उसमें आपका एडी करंट इंड्यूस होता है इन द डिस्क, जो आपकी डिस्क को कंटिन्यूअसली रोटेट करने के लिए इनफ होता है। ठीक है, और जो ये रोटेटिंग होती है ओनली, इसमें जो फ्रैक्शन होता है वो आपके रिवॉल्यूशन का होता है, सिंपल। ठीक
ठीक है, जैसे आपका वॉट मीटर होता है उसमें आपका पेट्रोल स्प्रिंग आपका होता है, वैसे ही आपकी यहाँ पे ब्रेक मैग्नेट होती है, ठीक है, जिसमें आपका एडी करंट इंड्यूस होता है जो आपका डिस्क को रोटेट कंटिन्यूसली रोटेट करने के लिए आपको यूज होता है। तो देखिए कुछ आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे एक नंबर यहाँ पे जो बता रखा है, यहाँ पे जो एक नंबर बता रखा है वो आपका स्पिंडल है, सेकंड नंबर है वो आपका शंट मैग्नेट है, तीन नंबर का है वो आपका सीरीज मैग्नेट है, चार नंबर है वो आपकी प्रेशर कॉइल है, ये वाली कॉइल आपकी प्रेशर कॉइल है, पांच नंबर की कॉइल है वो आपकी करंट कॉइल है, छह नंबर की जो यहाँ पे आपको बता रखा है वो पहले से एल्यूमिनियम डिस्क है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सात नंबर है वो आपका परमानेंट मैग्नेट या फिर आप कह सकते हैं ब्रेक मैग्नेट है। ब्रेक मैग्नेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट को बीच में से यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। आठवां नंबर का जो यहाँ पे यूज किया है वो कॉपर शेडिंग बैंड कर रखी है, ठीक है। नौ नंबर, नाइन नंबर यहाँ पे ऊपर ऊपर की ओर है वो आपका रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है, और जो 10 नंबर आपका किया है वो आपकी जेवल्ड बैरिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सारे ही जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो फिगर जो थी आपको मैंने बताई थी वो आपकी इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर था, जो आपके फॉलोइंग पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे टू दो एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, एक सीरीज मैग्नेट शंट मैग्नेट, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की डिस्क है, एक आपका ब्रेक मैग्नेट है, और एक आपका काउंटिंग मैकेनिज्म है। तो जो शंट मैग्नेट होता है आपका, जो आपका शंट मैग्नेट होता है वो आपका एम शेप सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग का बना हुआ होता है, और वो असेंबल किया होता है इन द फॉर्म ऑफ कोर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिगर में कि क्या है। ओके, तो देखिए शंट मैग्नेट सॉरी शंट मैग्नेट जो होता है वो आपका किसका बना होता है, वो एम शेप का होता है। देखिए यहाँ पे आपको एम शेप दिख रहा है, ये देखिए ये आपको यहाँ पे एम शेप दिख रहा है, ये आपका एक तरीके का एम शेप है, ठीक है। ये एम शेप का सिलिकॉन स्टील का सिलिकॉन स्टील की स्टैम्पिंग से बना होता है। स्टैम्पिंग का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो पतले पार्ट्स होते हैं उसको मिला के एक मोटा पार्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको स्टैम्पिंग बोलते हैं। उनको असेंबल किया जाता है और कोर को बनाया जाता है, मतलब तो ये जो है वो सिलिकॉन स्टील की स्टैम्पिंग का मिला के आपको एक कोर बनाया हुआ है, ठीक है। और सेंटर मैग्नेट में आपको कॉपर वायर जो यहाँ पे आपको प्रेशर कॉइल है आपकी चार नंबर की जो प्रेशर कॉइल बता रखी है आपको यहाँ पे, वो आपकी वायर वाउंड की जाती है विथ मैनी टर्न्स, यानी जो प्रेशर कॉइल होते हैं उसमें ज्यादा टर्न होते हैं और उसको सप्लाई के अक्रॉस आपका कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका शंट कॉइल है सॉरी प्रेशर कॉइल है, तो प्रेशर कॉइल इट कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 नंबर की आपको कॉइल बता रखी है यानी करंट कॉइल, तो करंट कॉइल जो है वो आपकी वोल्टेज को कैरी करती है विद प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट आपका 4 नंबर की कॉइल में होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज 5 नंबर की कॉइल में अवेलेबल होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल में। ओके, तो ये जो कॉइल है आपकी जो आपका वोल्टेज कैरी कर रही है, जो आपकी जो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल कॉइल भी आप इसे कह सकते हैं, और ये आपकी इंडक्टिव होगी नेचर में, ठीक है। इंडक्टिव होने के कारण क्या होगा, जो करंट है वो आपका वोल्टेज से लैग करेगा बाय दी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है। और सीरीज मैग्नेट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, सीरीज मैग्नेट नंबर का जो आपका यू शेप का बना हुआ होता है और वो भी आपके सिलिकॉन स्टील की स्टैम्पिंग को असेंबल करके बनाया होता है, और हैवी गेज कॉपर वायर का यूज करके हम लोग फ्यू टर्न का यूज करके जो ये करंट कॉइल आपकी वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और आपके लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहती है। और ठीक एल्यूमिनियम डिस्क आपके स्पिंडल के ऊपर कंसिस्ट होती है, माउंट की गई होती है, और उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग सेफायर कप जो या फिर आप कह सकते हैं ये जो आपको ऊपर डिस्क के ऊपर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्क के ऊपर ये जो आपको ये दिख रहा है इतना सा एरिया,
इतना सा एरिया, और ये जो नीचे वाला सपोर्ट है वो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, वो ऊपर वाला पार्ट आपका क्या होता है, एक सैफायर कप कहलाता है, इसे हम लोग सैफायर कप कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है। और बॉटम में बैरिंग स्क्रू होता है फॉर द सपोर्ट, ठीक है। और डिस्क आपकी, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इनके बीच में मूव करती है, और शंट और सीरीज मैग्नेट के जो आपके फ्लक्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो ऑप्टेन कैसे किया जाता है, बाय प्लेसिंग अ सी शेप परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे जो हमने ब्रेकिंग टॉर्क कैसे ऑप्टेन किया है, यहाँ पे हम लोग सी टाइप का मैग्नेट यूज करते हैं, जो आपको यहाँ 7 नंबर का बताया वो परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम लोग ब्रेक मैग्नेट कहते हैं, तो उसका यूज करके हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क का ऑप्टेन करते हैं। तो जब भी आपका डिस्क रोटेट होती है फील्ड में बाय दी परमानेंट मैग्नेट, कंट्रोलिंग टॉर्क या फिर आप कह सकते हैं रिटार्डिंग टॉर्क वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी एडी करंट इंड्यूस इन द रोटेटिंग टॉर्क। तो वो एडी करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉपर शेडिंग बैंड, जिसको आप पावर फैक्टर कंपेंसेटर भी कह सकते हैं, वो आपको शंट मैग्नेट के सेंट्रल लिंब पे, यानी जो 8 नंबर की जो हमारी यहाँ पे 8 नंबर का जो बैंड है वो हमारा कॉपर शेडिंग बैंड है, वो हमारा प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो कॉपर शेडिंग बैंड को हम लोग एडजस्ट करके शंट मैग्नेट के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज के लैग से, मतलब ये इंडक्टिव होता है नेचर में, 4 नंबर की जो कॉइल होती है वो इंडक्टिव होती है नेचर में, और 5 नंबर की कॉइल भी आपकी इंडक्टिव होती है नेचर में। तो कॉपर शेडिंग बैंड का हम लोग यूज करके करंट को एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग करवा सकते हैं हम लोग वोल्टेज, ठीक है, ओके। और जो काउंटिंग मैकेनिज्म होता है वो आपका गियर्ड होता है, इस गियर काउंटिंग मैकेनिज्म इज गियर्ड टू द रोटेटिंग एलिमेंट विच रिकॉर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, ओके। तो जब भी आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो करंट पास थ्रू दी दोनों मैग्नेट से आपका करंट पास होता है सीरीज और शंट कॉइल में से, और उसके कारण क्या होता है, फ्लक्स सेटअप होता है, वो फ्लक्स आपका कट होता है बाय दी रोटेटिंग डिस्क, और एडी करंट आपको प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब ड्राइविंग टॉर्क या फिर आप लोग कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका किस तरीके से और कहां किसके प्रपोजल आपका यूज मतलब होता है प्रोड्यूस, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये तो आपका पूरा था उसका वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नाउ ड्राइविंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ड्राइविंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपके प्रेशर कॉइल में जितना करंट हो रहा है और करंट कॉइल में जितना आपका जितना करंट आपका फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करंट कॉइल है, ठीक है, करंट कॉइल में जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कितना लैग हो रहा है, बाय दी 90 डिग्री लैग हो रहा है आपका विद द विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कॉइल के करंट पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IPIC साइन 90 माइनस फाइव लिखते हैं, और ड्यू टू द करंट आपका फ्लक्स भी आपका इसी अकॉर्डिंग आएगा, और जो डायरेक्ट टॉर्क है आपका वो आपका V.IL cos phi के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो जो आपका पावर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर ड्राइविंग टॉर्क होगा, ओके। और ये जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क होता है, ब्रेकिंग टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दी एडी करंट सेटअप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ब्रेक मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एडी करंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रोटेटिंग जो डिस्क थी आपकी उसके स्पीड पे। तो यहाँ पे TD TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M यानी डिस्क की स्पीड, और स्टेडी स्पीड रोटेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, TD इज इक्वल टू TB करेंगे, यानी अगर आपकी जो रोटेटिंग डिस्क है वो आपकी रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो ड्राइविंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आपका, सॉरी ड्राइविंग टॉर्क है और आपका जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस दौरान आपका क्या होगा, TD इज इक्वल टू TB होगा, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोट M यानी
स्पीड ऑफ दी रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों, ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये इक्वेशन में हम लोग दोनों टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इंटू टाइम। तो एनर्जी हमें मिल जाएगी, पावर इंटू टाइम मतलब एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन टाइम टी। ठीक है, मीटर कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मीटर मीटर कांस्टेंट में कांस्टेंट जो में एन थी हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारी एनर्जी पे। अगर हम लोग ये जो ये वाले इक्वेशन में एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो हमें कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे के कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे के क्या है, आपका मीटर का कांस्टेंट है। ठीक है, तो मीटर कांस्टेंट के की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एन डिवाइड बाय एनर्जी, इसका मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ओके, इसीलिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द डिस्क फॉर 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड मीटर कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमने सारा मीटर का पूरा ही कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। नाउ कुछ एरर्स हैं जो हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में होती है, तो वो कौन कौन सी एरर्स एरर्स हैं, है। वो हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जैसे पहली है आपकी फेज एंड स्पीड एरर। फेज एंड स्पीड एरर किस तरीके से, कि ये आपका एनर्जी मीटर को करेक्ट रीडिंग के लिए उसका घूमते रहना वो जरूरी होता है ऑल बाय ऑन दी ऑल पावर फैक्टर, सारे पावर फैक्टर के लिए, ताकि क्या है, मीटर आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट आपका बता सके। तो मीटर आपका करेक्टली रीड करे, कब करेक्टली रीड करे, एक ही कंडीशन में जब आपका शंट फ्लक्स जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज को लैग करेगा बाय दी 90 डिग्री। ये कंडीशन होती है मीटर को करेक्टली रीड करने के लिए, कि शंट फ्लक्स आपका लैग हो रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन वाइंडिंग्स के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस होने के कारण शंट फ्लक्स जो होता है वो हर बार हर पावर फैक्टर पे आपका लैग नहीं करता बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए मीटर का जो रीडिंग होता है वो करेक्टली नहीं आता एट दी ऑल पावर फैक्टर। तो ये एक तरीके से एरर हो गई। ठीक है, और स्पीड में एरर किस तरीके से हो सकती है, स्पीड जब भी आपके मीटर को हम लोग नॉन इंडक्टिव लोड पे हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो जो आपके ब्रेक मैग्नेट की मूवमेंट है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, और जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क आपका रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्क आपकी ज्यादा स्पीड में रोटेट करने लगेगी, तो ये भी एक तरीके की स्पीड में एरर हो गई। और अगर आपका मीटर ज्यादा आपका रोटेट करेगा तो आपको ज्यादा किलोवाट आवर आपको रीडिंग में मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या है, तो जो शंट मैग्नेट में फ्लक्स आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एग्जैक्टली वोल्टेज से 90 डिग्री के लिए लैग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर शेडिंग कॉइल जो होती है उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं लोअर पार्ट पे, सेंट्रल रिंग के लोअर पार्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फेस की जो एरर है उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओके, और शेडिंग कॉइल की अप और डाउन करके, लीम पे अप और डाउन करके हम लोग शंट फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज के बीच के एंगल को हम लोग 90 डिग्री रख सकते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं कि उसे हम लोग पावर फैक्टर एडजस्टमेंट हमने किया। ठीक है, दूसरी एरर है हमारी फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर क्या है हमारी, तो काउंटिंग मैकेनिज्म और बेयरिंग के बीच में हमारा कुछ फ्रिक्शन होता है, कुछ फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शनल एरर हमारी जनरेट होती है। स्पेशली कब होती है, ये सब चीज कब होती है, जब हमारा लाइट लोड हो, तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है हमारा, जो काउंटिंग मैकेनिज्म और बेयरिंग के बीच में हुआ, तो फ्रिक्शन टॉर्क आपका एडिशनल ब्रेकिंग टॉर्क आपका ऐड करता है। ठीक है, और एडिशनल ब्रेकिंग टॉर्क आपका ऐड करेगा तो आपकी जो स्पीड है, डिस्क की जो स्पीड है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और
आपको रीडिंग में एरर मिलेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल एरर को हमें ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल एक्स्ट्रा ड्राइविंग टॉर्क, जिसे हम लोग कंपेंसेटिंग टॉर्क कहते हैं, तो उसको ऑब्टेन करते हैं। और ये टॉर्क जो होता है आपका, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है ऑफ दी लोड। और उससे हम लोग कैसे, ये जो कंपेंसेटिंग टॉर्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय प्लेसिंग द स्मॉल नॉन मैग्नेटिक मेटल प्लेट बिलो दी सेंट्रल लिंब, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रेशर कॉइल है उसके नीचे सिंपल नॉन मैग्नेटिक मेटल प्लेट हम लोग रख देते हैं, जो हमारी कंपेंसेटिंग टॉर्क को जनरेट करने में हमारी मदद करती है, ओके। तीसरी एरर है हमारी क्रीपिंग। क्रीपिंग क्या है कि एनर्जी मीटर की जो डिस्क होती है वो कभी कभी क्या होती है, स्लो हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूस रोटेशन देती रहती है नो लोड पे भी। मतलब आपका लाइट चली गई है, कोई किसी भी तरीके का लोड नहीं है, लेकिन मीटर जो डिस्क है आपकी वो घूमती रहती है, वो बंद नहीं होती पूरा। तो ये भी एक तरीके की एरर हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग जब पोटेंशियल कॉइल को एक्साइट करते हैं लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, करंट कोई भी करंट आपका लोड में फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपकी क्या जाती है, क्रिपिंग, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, दो होल हम लोग कर देते हैं डिस्क के अंदर, डायमेट्रिकली दो होल कर देते हैं, ताकि क्या हो सके, हम लोग जो फील्ड हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग डिस्टॉर्ट कर सके। फील्ड मतलब जो एडी करंट के कारण जो फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग डिस्टॉर्ट कर सके। रिजल्ट में क्या होगा कि डिस्क जो है आपकी वो स्टेशनरी रहेगी। जब आपका एक होल परमानेंट मैग्नेट जो आपने यूज किया था उसके पोल्स के अंदर आएगा, तब आपका जो डिस्क है वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, स्टेशनरी रहेगा, अगर नो लोड पे है तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्रीपिंग की जो प्रॉब्लम थी वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर एरर होती है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन भी होता है और वोल्टेज वेरिएशन भी होता है। तो ये चार पांच और छह, छह टाइप की एरर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर एरर क्या होता है, टेम्परेचर एरर हमारी क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू दी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू दी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जब आपका एनर्जी मीटर इंस्टॉल होता है या ऑपरेट कर रहा होता है आउटडोर में, तो बाहर की ओर क्या होता है, सूरज होता है और एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। इसीलिए जो डिस्क पे, डिस्क का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका चेंज हो सकता है, पोटेंशियल कॉइल का आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, जो ब्रेकिंग मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी अफेक्ट हो सकती है बाय द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको डिजाइनिंग, जब आप एनर्जी मीटर के डिजाइन करते हैं तो हमें ये सारी जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है, और ऐसा मटेरियल यूज करना है कि वो टेम्परेचर के वेरिएशन को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। एक यही तरीका है कि टेम्परेचर एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज पे एनर्जी मीटर को काम करने के लिए डिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाती है तो दोनों जो मैग्नेट्स है, सॉरी, दोनों जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसमें आपका रिएक्टेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। रिएक्टेंस अगर आपका चेंज हो जाता है तो आपका जो रीडिंग आना चाहिए वो रीडिंग आपका उसमें एरर आ जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं कि हमारा जो डिजाइन है एनर्जी मीटर का डिजाइन, उसको हम लोग कुछ 50 डिग्री के अपर या फिर 50 डिग्री, सॉरी, 50 हर्ट्स के अपर या फिर 50 हर्ट्स के नीचे वर्क करने के लिए हम लोग उसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को भी हम लोग ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज वेरिएशन। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज आपका वेरी कर रहा है, तो जो करंट करंट आपका कॉइल्स में जा रहा है उसके कारण जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें भी वेरिएशन होगा, और आप